नमस्ते मेरे प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल एपो सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी बज गए सुबह का 9:30। मेरे दोनों बच्चे उठ गए। उठने के बाद से दोनों का भूचाल चालू हो गया, क्योंकि अभी दिवाली का छुट्टी है। इस बार मैं कलकत्ता नहीं जा रही, तो इसकी वजह से दोनों बच्चे क्या करें। तो बोले, मम्मा जब लेके नहीं जा रहे हो नानी के घर, तो कुछ तो हम लोग एक्टिविटी वगैरह करेंगे। मैं बोले ठीक है, एक्टिविटी वगैरह करना, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना। तो बड़ी गुड़िया लग गई एक्टिविटी का कुछ काम करने के लिए। छोटी गुड़िया मुझे बोल रही है, मम्मा मुझे अच्छा करके कंघी कर दो। देखिए फ्रेंड्स, इसको कंघी करना आता है, लेकिन तो भी मुझे देख के ना ऐसा ड्रामा करती है ये, जैसे कुछ आता ही नहीं है। अभी छुट्टी का दिन ने कहा मैं थोड़ा लेट करके उठूंगी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वही सेम टाइम में मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि पति देव का तो इस ऑफिस में छुट्टी नहीं है। उनको तो ऑफिस में डब्बा देख के मुझे भेजना ही पड़ेगा, तो इसकी वजह से उठ गई। उठने के बाद ना मैंने चाय पी लिया आज फटाफट, थोड़ा सा वॉकिंग किया, फिर घर में आई, आके बच्चों को बुला लिया, बच्चे उठ गए। उठने के बाद बच्चों का मन पसंदीदा एक डिश मुझे बोले, बोले मम्मा आज ना पाव भाजी बनाना। तो मैं बोली नहीं, पाव भाजी तो मैं दोपहर में नहीं बनाऊंगी, लेकिन पक्का बात है मैं रात को पाव भाजी बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स घर में पाव नहीं था, पाव तो लाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं बोले अभी थोड़ा सा दूध वगैरह पी लो, फिर रोटी बनाऊंगी। दोपहर में रोटी खाओ या चावल खाओ, जो भी खाओ, रोटी चावल तो दोनों ही बनते हैं फ्रेंड्स मेरा डेली। तो रात में लेकिन पक्का मैं पाव भाजी बनाऊंगी। सब्जी सब टाइप का ही था घर पे, और पाव भाजी बनाने में ना फ्रेंड्स सब टाइप का सब्जी हो तो ही अच्छा लगता है। तो जो भी हो, मैं भी आ गई रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाना मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मैं आ गई चाय पीने के लिए। देखिए घर अभी पूरा खाली खाली लग रहा है ना। मेरे दोनों बच्चे गए खेलने के लिए, उनका बहुत बड़ा टीम है, छोटा छोटा टीम है, लेकिन मेंबर फिर भी बहुत है। तो गए, मुझे बोले मम्मा आधा घंटे बाद हम लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है फ्रेंड्स आधा घंटे के बाद नहीं आएंगे। तो कल मैं क्या क्या ग्रॉसरी ले के आप सबको एक बार दिखा देती हूँ, देख लीजिए। इस महीने मैंने बहुत सारा ग्रॉसरी लिया, क्योंकि मुझे अभी कुछ बनाना भी है, मीठा वगैरह बनाना है, दिवाली है, जब घर में नहीं जा रहे तो इधर बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा डिश बनाऊंगी और आप सबके साथ में शेयर करूंगी डेली डेली में क्या क्या बना रही हूँ। ऐसा मन में मेरा है, इसकी वजह से सामान उठा के लेके मैं आ गई। पता नहीं कितना दूर मैं कर पाऊँगी, लेकिन जो भी कर पाऊँगी आप सबको पता चल ही जाएगा ब्लॉग देखने के बाद। मैंने जितना ग्रॉसरी लिया फ्रेंड्स, एक एक करके सभी मैंने आप सबको दिखा दिया, देख लीजिए। लेकिन बच्चों का डिमांड है पाव भाजी, बार बार बोल रहे हैं मुझे। तो मैं बोली चलो ठीक है, रात में नहीं सही, लेकिन दोपहर में मैं बना लेती हूँ। तो पाव भाजी के लिए इधर मैंने बहुत सारा सब्जी लिया। एक्चुअली फ्रेंड्स पाव भाजी खाना भी अच्छा है, इसके अंदर जो भाजी रहता है ना तो बच्चे का पेट में जाता है, नहीं तो नॉर्मल बच्चे तो भाजी मतलब सब्जी वगैरह खाने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना। तो पाव भाजी खाते खाते भाजी भी खा लेते हैं, तो सब्जी भी खाना पड़ जाता है। तभी मैं सोची घर में पापड़ है, थोड़ा सा पापड़ भून लेती हूँ। पापड़ भी अच्छा लगता है ना पाव भाजी साथ, मतलब पाव भाजी के साथ खाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स सॉरी, नींबू नहीं है घर पे, तो मैं जब जाऊँगी पाव लाने के लिए तभी मैं नींबू भी लेके आ जाऊँगी। तो पाव भाजी कैसे बनाते हो आप सबको तो पता ही है, तो भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने सेब डाला, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा का छौंका लगाया, एक तेजपत्ता डाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, और सबसे जो बड़ी बात है पाव भाजी मसाला चाहिए ही चाहिए। पाव भाजी मसाला के बिना पाव भाजी कभी बनेगा ही नहीं, उतना टेस्ट भी नहीं आएगा। पाव भाजी खाना ना फ्रेंड्स मैं महाराष्ट्र में आके सीखी हूँ, क्योंकि हमारे बंगाल में तो पाव भाजी वो शब्द मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन पाव भाजी से भी इतना अच्छा लगता है ना खाने में, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब्जी, क्योंकि सब्जी का टेस्ट ही पूरा अलग होता है। और इधर जो पाव है हमारे बंगाल में पूरा अलग टाइप का पाव है, इसकी वजह से इधर ही मैंने पूरा सीखा पाव भाजी है क्या चीज़। तो जो भी हो, पाव भाजी बनाना मेरा पूरा लगभग हो ही गया। अभी दोपहर का टाइम है, दोनों बच्चों को मैं दे दूँगी पाव भाजी, और चावल वगैरह तो बना हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वो हम लोग रात में खा लेंगे। पाव भाजी बनाने के बाद फिर से मैं आगे ग्रॉसरी और एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग डीमार्ट से लिए थे तब तो चेक वगैरह नहीं किए थे ना, ऐसे लेके हम लोग बैग के अंदर रख दिया। तो लेकिन देखते देखते आप सबको दिखाते दिखाते मेरे ध्यान में एक चीज़ आया, मैं तो चावल लेना ही भूल गई।
तो मुझे फिर से चावल लाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और एक्चुअली हम लोग तो बॉयल्ड राइस खाते हैं, लेकिन तो भी मैं डीमार्ट से थोड़ा सा अरवा चावल भी लेती हूँ 1-2 किलो के जैसा, क्योंकि पुलाव वगैरह मैं बनाती हूँ। तो अच्छा ही हुआ आप सबको मैं दिखाई बोल के मुझे ध्यान में आ गए, मुझे चावल भी लाना है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मेरे ब्लॉग में आज इधर ही एंडिंग कर रही हूँ। अगर आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छे लगे तो कमेंट्स में लिखना, ज़्यादा अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्ते।